सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के इस खास कार्यक्रम में। और हम सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रही है और ऑनलाइन और ई लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ाने की जो कोशिश चल रही है, क्या यह व्यवस्था भारतीय समाज के अनुरूप है? क्या इस व्यवस्था के जरिए हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं? प्रोफेसर भारत भास्कर जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो आज कोरोना की स्थिति है वो एक अलग तरह की स्थिति है, और इस स्थिति में शिक्षा को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। इसलिए जो उपाय हो रहे हैं वो अचानक एक स्तर पर किए जा रहे हैं कि शिक्षा का जो सततता है वो चलती रहे। लॉन्ग टर्म में भी हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ हम जा रहे थे। हाइब्रिड एजुकेशन से मेरा मतलब है कि कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन। लेकिन इस शिक्षा को तीन स्तरों में बांट कर देखना होगा। एक जो बाल विकास होता है, एक जो सेकेंडरी एजुकेशन है, और एक हायर एजुकेशन है। जहां तक बाल विकास का स्थान है, वहां पर शिक्षा जो लेक्चर डिलीवर करना है या जो कंटेंट देना है या जो आपको उसको क्लास में सिखाना है वो एक हिस्सा होता है। मोटर स्किल डेवलप होनी है, शारीरिक विकास होना है, मानसिक विकास होना है, वो चीजें ह्यूमन टू ह्यूमन या मानव के परस्पर जो आपस में संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, उसके द्वारा आती हैं। उस स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। कुछ हद तक आप खाना पूरी कर सकते हैं या कुछ पूर्णता ला सकते हैं। उस स्तर पर शिक्षा खाली टीम अध्यापकों का विकास कर सकती है एजुकेशन सिस्टम को ऊपर लाने में। अगर हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का एजुकेशन स्तर स्वयं में नीचे है, उनके शिक्षण की पद्धति को उन्नत करना है, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का शिक्षक सहारा ले सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल विकास करना है बच्चों का वो नहीं आ सकता है। तो ये मैं इसको एक टेम्परेरी तौर पर देखता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन या जो भी अभी हम निर्णय ले रहे हैं और जिस माध्यम से के द्वारा शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, बाल विकास में लॉन्ग टर्म में सहायक नहीं होगा, लेकिन आज की सतर्कता के लिए उसकी आवश्यकता है। जो सेकेंडरी एजुकेशन थी, उसमें भी जो सेकेंडरी एजुकेशन का दो तरीके हैं। एक जो होती है कोचिंग ओरिएंटेड एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें विकास में संभावना पैदा करती है, लेकिन जो स्पोर्ट्स फील्ड पर जाकर बच्चे सीखते हैं, जो संपूर्ण विकास होता है युवा अवस्था में, किस माध्यम को चुनना है, मुझे आर्ट के सब्जेक्ट्स में जाना है, मुझे विज्ञान के विषयों में जाना है, बहुत कुछ आपस में आपसी संपर्क आपसी संवाद के द्वारा लोग सीखते हैं जानते हैं, उस बारे में भी एक लिमिट तक इसका प्रभाव है। हाँ, लेकिन जब 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के बाद की शिक्षा है और स्पेशली विज्ञान और गणित के क्षेत्र की शिक्षा है, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं बोलूंगा, एक अच्छा सप्लीमेंट बन सकती है, क्योंकि शिक्षकों का स्तर उठाने में वहां भी, दूसरा हमारे देश में इतने शिक्षार्थी हैं जिनके लिए उतने अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो सकती है, शिक्षक हैं ही नहीं इतने, तो उस जगह पर एक शिक्षक अपनी प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तक कैसे पहुंचा सकता है, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये भी एक जो विषय है वहां पर इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तीसरा जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है, वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन के कई फायदे हैं, क्योंकि विकास पुरुषक जो उसकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, काफी स्तर तक हो चुका है, कुछ स्तर पे व्यक्तित्व का भी विकास होना है, परंतु भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थानों की अत्यधिक कमी है। उस अत्यधिक कमी के कारण बहुत सारे योग्य छात्र अपने आप में उस संभावना को पाने में
उस वहां तक पहुंच पाने में असमर्थ पाते हैं। और एक अच्छा जो समाज को बनाने वाला सिखाने वाला भविष्य का वैज्ञानिक पैदा होता शायद अभाव के कारण नहीं पहुंच पाता वहां तक। ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में जो हमारी संरचना में कमी है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, उसको दूर करके उन शिक्षकों की शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। तो ई लर्निंग एक बहुत अच्छा माध्यम वहां पर है जहां पर हायर एजुकेशन का स्तर की संभावना होती है। हम एक बार फिर दिव्या जी से संपर्क कर रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि ई लर्निंग या ई एजुकेशन या ई क्लासेज जो चल रही हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, वो किस रूप में देख रही हैं एज ए एजुकेशनिस्ट, उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हाँ जी सर, ई लर्निंग के बारे में मेरा कहने का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है ई लर्निंग का, वो हम ठीक 3 C's के ऊपर बात करते हैं। 1 इज कंटेंट, जो पढ़ा रहा है जो लर्नर है उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए सो दैट ही कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। उसके कम्युनिकेशन में 2 चीजें आती है कि उसका बोलने का तरीका और उसका विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाने के लिए, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हों। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है क्रिएटिविटी, कि एक ही सब्जेक्ट को आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन एंड कम्युनिकेशन, जो दोनों ही पार्ट पे प्ले करेगा कि बच्चों का कंसंट्रेशन दोनों तरफ से, यानी कि जिस तरफ से मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वन टू मैनी है ये। पहले तो क्लासरूम टीचिंग होती थी, पर ई लर्निंग में क्या है, जो हम वर्चुअल स्पेस में जो हम बात कर रहे हैं वो बच्चों को हम देख नहीं पा रहे, तो उनकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग आगे तक फेस करेंगे कि कभी ना, जैसे कभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद ऑडियो नहीं काम कर रहा, वीडियो काम नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी इश्यूज है। तो सर ने बहुत अच्छा करा कि अगर ई लर्निंग हमें बनाना है बढ़ाना है इस देश के अंदर, तो सबसे पहले हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में उस सारे के सारे मॉडल्स लगाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ई लर्निंग इज अ वेरी गुड ड्रिफ्ट, वेरी गुड मूव, बट ये एक चीज है जिसके अंदर अभी हमें बहुत कुछ करने के लिए, अभी बहुत हम बहुत प्राइमरी स्टेज पे हैं, हमें इसके अंदर आगे बहुत कुछ करना है। वाजपेयी जी के बारे में हम थोड़ा सा बता दें दिव्या जी, कि वाजपेयी जी अटल जी की सरकार के समय जो एक कमेटी बनी थी, भारत सरकार ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, उसके ही मेंबर थे और ये बहुत एमिनेंट स्कॉलर हैं अपने क्षेत्र के और सर, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं। तो मैं वाजपेयी जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो पूंजीवादी व्यवस्था का है या नई आर्थिक नीति का है, आर्थिक नीति के चलते जो शिक्षा व्यवस्था है या जो शिक्षा प्रणाली है उस पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी दिव्या जी कह रही थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के आप उस कमेटी के भी मेंबर थे, तो आप इस पर थोड़ा सा अपनी राय रखेंगे कि मुझे लगता है कि जितना ही हम पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ दौड़ रहे हैं, जितना ही हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं मटेरियलिस्टिक, उतना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम का नुकसान हो रहा है, वैल्यूज में कमी आ रही है, उस तरह के ऑलराउंड डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है बच्चों में। आप थोड़ा इस पर अपनी राय रखिए वाजपेयी जी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पे एक तो जो आर्थिक स्थिति है और जिस शिक्षा का जो कहते हैं आर्थिक स्वावलंबन की कोशिश हुई है, स्वावलंबन से मेरा मतलब है कि सेल्फ सफिशिएंट अपने ही सेल्फ फाइनेंस्ड प्रोग्राम्स जो शुरू हुए, तो एजुकेशन में जो सब्सिडी थी एक तरह से गवर्नमेंट ने कम कर दी, जिसका प्रभाव यह हुआ है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप करने की कोशिश करने में आगे बढ़ने लगे, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर पर नहीं आ पाया कि जब आज हम ई लर्निंग के मोड़ पर खड़े हैं, जब हमको एक आवश्यकता पड़ी है, तो हमारे विश्वविद्यालय हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट उतने सक्षम नहीं है जितना उनको होना चाहिए था।
10 साल आज से 15-20 साल पहले जब ये परिकल्पना हुई थी कि पूरे देश को एक नेटवर्क में जोड़ दिया जाएगा, हर विद्यालय के पास एक अच्छी बैंडविड्थ होगी, उस समय के मापदंड पे मैं नहीं जाता क्योंकि आज गीगाबिट्स बैंडविड्थ भी सफिशिएंट नहीं होती, हम वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं और एक क्लास भी ऐसी कर सकते हैं कि जैसे रेगुलर क्लास हो रही है और स्टूडेंट और हम आपस में आमने सामने इंटरेक्ट कर सकते हैं, कर रहे हो जैसे हम आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसके लिए अन्य संसाधनों की, ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन हमने उतना डेवलपमेंट इस क्षेत्र में अपने विद्यालय विश्वविद्यालयों का नहीं किया। जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर ये सब व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है, सरकार ने IIT, IIM, NIT जो जिन जैसे संस्थानों को इनसे सुसज्जित किया, तो आज के समय में उनको ये परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन परेशानी सिर्फ उनकी ना आने से ही देश का विकास नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम ये तो एक बहुत छोटा सा भाग है विश्व की, अपने भारत की शिक्षा, उच्च शिक्षा का क्वालिटी में बहुत बड़ा भाग है लेकिन संख्या में बहुत छोटा भाग है, तो जो बड़ा भाग हमारे विश्वविद्यालयों में है वो ऑनलाइन एजुकेशन को उस स्तर पर डिलीवर करने में सक्षम नहीं है। दूसरा हमारे क्योंकि हमने इस टेक्नोलॉजी को उस स्तर पर विश्वविद्यालयों में एडॉप्शन नहीं किया या टेक्नोलॉजी उस स्तर पर पेनिट्रेट नहीं हो पाई, जिसके कारण शिक्षकों में भी उस तरह का विकास नहीं हो पाया कि उतना कंफर्टेबल हो। दो और चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में है जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए था, और जैसा मैं कह रहा हूं कि उच्च शिक्षण संस्थान जैसे क्वालिटी शिक्षण संस्थान IIT, IIM, NIT वगैरह काफी हद तक उसके लिए तैयार हैं, परंतु विश्वविद्यालय स्तर पर वैसी तैयारी नहीं हो पाई। दो चीजों का विकास होना चाहिए था, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का कि हर विश्वविद्यालय के पास और कई कई गीगाबिट्स पर सेकेंड की मल्टीपल लाइन्स होनी चाहिए थी अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। आदो स्वयं प्रभा MOOC जैसे प्रोग्राम का प्रादुर्भाव करने की कोशिश पिछले 3-4 सालों से हो रही है और काफी छात्र उसको अपने मोबाइल वगैरह के द्वारा अपनी बैंडविड्थ लेकर प्रयोग कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, फायदा भी हो रहा है उसका, परंतु विश्वविद्यालय के जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर है उसके लिए अत्यधिक पैसे की आवश्यकता है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क सरकार ने बनाया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के थ्रू बैंडविड्थ मिली, लेकिन कितने विश्वविद्यालयों को मिल पाई वो केंद्रीय स्तर के ही विश्वविद्यालय थे जहां पर व्यवस्था हो पाई। दूसरा, अगर ये बैंडविड्थ और ये व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर की हो जाती तो शिक्षकों को भी मोल्ड करने की आवश्यकता थी, उनको ट्रेन करने की आवश्यकता थी, जो जिनके पास ये तरीका था, क्योंकि ऑनलाइन में शिक्षा तो मेरा मानना है और हम इसमें 2 या 3 साल से काम कर रहे हैं, IIM रायपुर के हम काफी प्रोग्राम ऑनलाइन कर रहे हैं अभी से नहीं, पिछले 1.5 साल से, तो इसलिए हमारा एक सीख है उसमें कि किस तरह हमें अपने आप को एडाप्ट करना पड़ता है। आप नॉर्मल लेक्चर की डिलीवरी कर रहे हैं, जब क्लासरूम में आप होते हैं, मैं बहुत सरल बात कहूंगा, कितनी बार स्टूडेंट्स निद्रा स्थिति में या सुसुप्त स्थिति में आ जाते हैं, आप जब ऑनलाइन हैं, छात्र आपके सामने भी नहीं है, तो आप उनका अटेंशन कैसे अपने पास रख सकते हैं, उसके लिए आपको अपने अंदर एक नई तरह की पद्धति, नए तरह के गुणों का विकास करना पड़ेगा, और वो गुणों उन गुणों का विकास ट्रेनिंग के द्वारा और स्वयं इंटरेक्ट करने के द्वारा ही आता है, तो इसके लिए हमको समय नहीं मिला, और आज भी वो नेटवर्क की व्यवस्था न होने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था न होने के कारण, जो लोग चाहते भी हैं, लालयित भी हैं कि हम भी कर सकते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही कि वो अपने आप को ट्रेन कर सके। वैसे मैंने इसी लिए कई वेबिनार्स इसमें लॉन्च किए हैं शिक्षकों के लिए, एक वेबिनार मैंने भी किया था जिसको 6,000 शिक्षकों ने अटेंड किया कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप कैसे पढ़ाएं। अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो अपना भोपाल का टेक्निकल विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश का टेक्निकल विश्वविद्यालय है, तो IIM रायपुर उनके भी शिक्षकों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा आप कैसे प्रदान करेंगे। केस पढ़ाना है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन है जहां आपको इंजीनियरिंग पढ़ानी है, हर एक की अलग विधा है, और जैसे हम नॉर्मल क्लासरूम के लिए भी सीखते थे, ट्रेन होते थे, आज हमको ऑनलाइन में ट्रेन होने की आवश्यकता है, इसके लिए भी विकास के लिए फंड मेरा ये कहना है कि क्योंकि इन सब विधाओं के लिए जी जी
नहीं, विकास के लिए धन चाहिए, ये बिल्कुल सही है जी। हम लेकिन हमारे समाज में कई तरह की फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी ये भी है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये सारी बात सही है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप विद्वानों से कि क्या वजह है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की जो कुल इकोनॉमी थी, जो जीडीपी था, जो बजट था, बहुत कम था, लेकिन जितने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, जितने शैक्षिक क्षेत्र में काम हुए उसी दौरान हुए। और जब से हम एक बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी की बात करते हैं 90 के बाद से, तब से आर्थिक विकास तो हुआ हमारे देश का अलग अलग क्षेत्रों में, हमारी जीडीपी बढ़ी, हमारी इकोनॉमी भी कई ट्रिलियन की हो गई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में उस तरह का काम नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसकी क्या वजह है कि क्या बेहतर शिक्षा है या ज़्यादा रिसर्च कम बजट में ही होता है, या जब हम भौतिकवादी व्यवस्था में रहते हैं तो ज़्यादा रिसर्च नहीं होता है तब खाली स्किल इंडिया की बात होती है, या किसी तरह से रोजगार और रोटी की बात होती है? दिव्या जी, आपकी क्या राय है इस पर? बहुत सारा कुछ वाजपेयी सर ने कह दिया और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर आपका कि मुझे आज वाजपेयी सर को सुनने का मौका मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वाजपेयी सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि हम इस समाज में जहाँ रहते हैं, जो हमारा समाज है वो एक मल्टी लेयर है, इसमें बहुत सारी चीजें, अभी हम अगर ग्रास रूट लेवल से देखें कि बच्चों का, जो एक बच्चा है जो एक ऐसी सोसाइटी से नहीं आता जहाँ पे वो उसको पैसा दे सकता है, जो एक बहुत ही निचले तबके से आता है, एक ऐसी जगह पे आता है जो रूरल एरिया है, वहां पे स्टार्टिंग हम बच्चों की मिड डे मील से करते थे। अब वो मिड डे मील के साथ ये होता था कि बच्चा पढ़ भी लेगा, तो उसको पढ़ाने का हम उस समाज को डेवलप कर रहे थे जहाँ से हम एजुकेशन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस ई लर्निंग के थ्रू सब कुछ खत्म हो चुका है। हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस ई लर्निंग को कहाँ लेके जाएं। अब मैं आपके उस पे बात करती हूँ कि एजुकेशन को किस तरीके से हम, क्योंकि अभी भी अगर आप बजट देखें या अभी भी आप बहुत सारी चीजें देखें तो अभी भी एसेंशियल सर्विसेज में एजुकेशन नहीं आया, अभी भी हम रोटी कपड़ा मकान के ऊपर है। कितने साल हो गए हमें आजाद हुए पर अभी भी बेसिक नीड हमारी रोटी कपड़ा मकान है, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन ऐड होगा। एजुकेशन अगर ऐड होगा तो उसमें हम इंटरनेट ऐड कर पाएंगे, इंटरनेट जो बेसिक, अब जो लग्जरी थी हम उसे नेसेसिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर नेसेसिटी तो अभी भी हमारी रोटी कपड़ा मकान ही है, यहाँ पर अभी भी लोग भूख से मर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इतने साल आजाद होने के बाद भी अगर हम एजुकेशन पे कुछ डेवलप नहीं कर पाए या हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं कर पाए तो हम सब अभी भी बहुत पीछे हैं। ई लर्निंग अभी भी इस देश में एक प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा, मतलब अर्बन एरिया में तो हम फिर भी सोच सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन में हम फिर भी सोच सकते हैं, दिल्ली जैसे एरिया में सोच सकते हैं, पर अगर हम बिहार की बात करें या उन जगह की बात करें जहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है, जहाँ पे लाइट नहीं आती है या जहाँ पर बच्चे उस तरीके से कम्यूट नहीं कर पाते, वहाँ पे हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम उनको समझा पाएंगे कि एजुकेशन अब इस तरीके से शिफ्ट हुई है, और उसको पढ़ाने के लिए भी हमारे पास वैसे टीचर्स हैं जो स्मार्टफोन से पढ़ा सकें? हमें अपनी जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें हम अगर करिकुलम चेंज करेंगे तो किस स्टेज पे चेंज करेंगे, क्योंकि अब तो ये चेंज होगा, अगर कोरोना रहने वाला है इस हमारी जीवन शैली के अंदर तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रास रूट लेवल से ही सब कुछ चेंज करें। तो जिसमें जो छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे से लेकर हम उसको भी जो पढ़ा रहा है हमको, हम सबको जरूरत है कि उसको देखने की, उसको समझने की, वो किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे अपने उसके अंदर। हेलो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मेरा एक खाली सबमिशन था आप दोनों पैनलिस्ट से कि ई लर्निंग या ई एजुकेशन की बात अब कोरोना के टाइम में एक बार फिर हो रही है, लेकिन इस तरह की योजनाएं किसी न किसी अलग नामों से पहले से चल रही थी भारत के अंदर, और चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात के नाम पर चल रही थी या नवोदय विद्यालयों के नाम पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन स्मार्ट क्लासरूम के नाम पर हजारों करोड़ रुपया जो भारत सरकार अलग अलग राज्यों में देती थी, वो क्लासरूम तो स्मार्ट नहीं हुए, लेकिन एनजीओ चलाने वाले लोग जरूर स्मार्ट हो गए और उनकी इकोनॉमी स्मार्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है क्लासरूम का, उस पर अगर फोकस नहीं करते हैं
और अपना एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ाते हैं, एजुकेशन को इसेंशियल सर्विसेज में नहीं लाते हैं, तो इस ई लर्निंग या ई एजुकेशन का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। और हम एक रोबोट जरूर तैयार कर लेंगे लाखों की तादाद में, लेकिन एक अच्छा इंसान या एक अच्छा नागरिक नहीं बना पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो इस पर हम एक छोटा छोटा कमेंट आप दोनों लोगों से चाहते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं। सर, मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगी, जब आपने स्कीम्स की बात करी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्कीम होती है, वो इतनी टफ होती है कि उसको समझाना, एक रूरल एरिया में बताना कि किस तरीके से तुम स्किल डेवलप कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। तो एक हमें ऐसा भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, ऐसा भी हम जो मीडिएटर का काम करें। पर इंडिया में प्रॉब्लम हमें यही होती है हर एक जगह कि जो मीडिएटर होते हैं वो एक तरीके से हमारे साथ जो काम होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे आपने एनजीओ की बात करी कि जिस एनजीओ को फंड दिया जाता है वो फंड अपने लिए यूज करता है, इसी तरीके से मीडिएटर जो होते हैं वो अपनी तरीके से यूज करते हैं। तो जो होता है ना कि स्ट्रीमलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो किसी भी सेक्टर में अभी नहीं है। वाजपेयी जी, आपकी राय क्या है? वाशिंग जी, हाँ वाशिंग जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो ग्रॉस एनरोल, हमारे देश का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो इतना लो हो गया, जो जितने विश्वविद्यालय एक समय पर हमारे देश में थे, और मेरा मतलब विश्वविद्यालयों से प्राइवेट विद्यालयों से नहीं है, प्राइवेट में भी कुछ अच्छे विश्वविद्यालय आए हैं, लेकिन जो आप स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, उस रेशियो में अगर आप देखें हमारी पॉपुलेशन जितनी बड़ी है, उस स्तर पर हमारे रेशियो में हमारे विश्वविद्यालय, हायर एजुकेशन और अन्य इंस्टीट्यूट नहीं बढ़ पाए, जिसके कारण रिसर्च और उस पर ओवरऑल इफेक्ट होना संभव होना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो बजट है वो भी उस स्तर पर नहीं बढ़ पाया। आज शिक्षा का जो, जब से हमने वाशिंगटन अकॉर्ड साइन कर दिया 2006-07 के आसपास, कभी उसी समय में, कि एजुकेशन का लिबरलाइजेशन भी हो जाएगा, उसके साथ साथ हमने उसको प्राइवेट एजुकेशन के प्राइवेट स्तर पर छोड़ दिया, जबकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो एक बेसिक नेसेसिटी है। रोटी कपड़ा मकान अगर पहली जरूरत है तो उसके साथ साथ उससे जस्ट अगली जरूरत शिक्षा की होती है, और इसलिए सरकारें इसको इस स्तर पर नहीं छोड़ सकती कि हम वाशिंगटन एकॉर्ड के हिसाब से, WTO के एग्रीमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, और उसके कारण आप सब अपने पैरों पर खड़े हों और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी एजुकेशन में आ जाएंगे, जो सारी शिक्षा का स्तर बढ़ा देंगे और सबको शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। समस्या ये होगी शिक्षा को वो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि शिक्षा वो ले आएंगे, उनके पास उपलब्धता होगी, लेकिन हमारे आप जैसे लोगों के पास वो उपलब्धता नहीं होगी कि हम शिक्षा को अपने आप अटेन कर सकें, उतना पैसा हमारे पास हो जो हम उनकी फीस दे सकें। तो इसलिए सरकारों के लिए ये सोचने की जरूरत है, चाहे वो राज्य स्तर की हो चाहे वो केंद्र स्तर की हो, कि शिक्षा एक मौलिक विषय है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब तक नहीं होगी जब तक रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा को भी उस स्तर पर नहीं देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को वसीम जी चैनल से बात करने के लिए और अपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार।